हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हम बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज बहुत बार जो है आप लोगों में से रिक्वेस्ट करी गई है, कमेंट्स आए हैं कि सर पीबीएक्स सिस्टम्स के बारे में हमें और डिटेल में एक्सप्लेन करें, किस तरह से हमें इस चीज को समझना है, किस तरह से इसका पूरा जो नेटवर्क है वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज नाउ अडेज ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है आईटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का। जो डेफिनेटली अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो ये चीज, ये सेक्शन भी जो है वो आपको देखना पड़ सकता है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। आगे बढ़ने से पहले, आई एम श्योर आप लोग जो है इस तरह के सारे जो डिटेल्ड वीडियो होते हैं आप लाइव में प्रेफर करते हैं, आई नो दैट। बट एज यू गाइज नो दैट कि मार्च है और अप्रैल से बहुत सारी कंपनीज जो है अपने नए ऑपरेशंस को स्टार्ट करने की टारगेट रख लेती हैं। ऐसे में जो है हमारे पास थोड़ा सा शेड्यूल टाइट चल रहा है, बिकॉज काफी सारे प्रोजेक्ट्स में धीरे धीरे काम चल रहा है और अभी मार्च के अंदर और ज्यादा शेड्यूल टाइट हो जाएगा, और जिसकी वजह से फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जो है हम लोग कनेक्टिविटी बनाए रखें, आपको मैं नॉलेज शेयर करता रहूं। तो आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है पीबीएक्स सिस्टम। सो पीबीएक्स सिस्टम यानी कि आपका प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक टेलीफोन सिस्टम है, राइट। और टेलीफोन सिस्टम में अब इसलिए आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जा रही है, बिकॉज इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आईटी के सारी जो नेटवर्किंग है उसी के साथ में इंटरकनेक्ट हो गई है। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आईटी अब एक फैब्रिक बन चुका है जिसमें आपको हर चीज को पता होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईटी टीम के पास में आ रही है जो एक फैब्रिक की तरह है। तो आपको इसका अगर नॉलेज नहीं होगा पीबीएक्स सिस्टम का तो आप जो है काम नहीं कर पाएंगे। तो पीबीएक्स सिस्टम जो गाइस आप तीन तरीकों से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला जो तरीका जो पहले से चलते आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका एमडीएफ बेस, राइट। अब एमडीएफ बेस क्या होता है तो आपको मैं बता दूं, इस तरह का जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस तरह का आपको एक पीबीएक्स सिस्टम लेना पड़ता है। उसके अंदर कार्ड सिस्टम्स होते हैं और यही जो सिस्टम है यहां से कुछ केबल निकलती हैं, वो जाती हैं एक एमडीएफ बॉक्स के अंदर। तो एमडीएफ बॉक्स कुछ इस तरह का होता है। अब इस एमडीएफ बॉक्स से फिर केबल, बहुत सारी केबल निकलती हैं और जाती हैं जहां जहां पर भी आपकी एक्सटेंशन हैं वहां पर जाती हैं। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एनालॉग पीबीएक्स सिस्टम। अब एनालॉग इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहां पे सारा जो है आपके पास में जहां पर भी आपका ये पीबीएक्स सिस्टम लगा है वहां से पूरा एंटायर जहां पर भी आपके डिवाइसेस लगे हैं, फोन्स लगे हुए हैं, वहां तक जो है केबल के थ्रू ही अलग से पूरी केबल जाती है इसकी। ये आपका एनालॉग में आता है। एक इसी के अंदर आपका आता है डिजिटल पीबीएक्स सिस्टम। तो डिजिटल पीबीएक्स सिस्टम की अगर बात करें तो बिल्कुल एनालॉग की तरह ही इसकी भी पूरी नेटवर्किंग होती है, जिसमें आपके पास में एक पीबीएक्स सिस्टम होता है कार्ड बेस, वहां से एक केबल निकल के एमडीएफ के अंदर जाती है, एमडीएफ बॉक्स से फिर केबल निकल के आपके एंड यूजर तक जाती है जहां जहां पर भी आपके फोन्स लगे हुए हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर आपके पास में जो पीबीएक्स सिस्टम है इसके अंदर जो केबल आपके जो कार्ड लगे होते हैं वो आपके डिजिटल लगे होते हैं। अब डिजिटल के क्या एडवांटेज होते हैं ये हम किसी और दिन जो है एनालॉग वर्सेस डिजिटल वर्सेस आईपी ये अलग एक वीडियो के अंदर मैं कवर अप करूंगा, सो दैट कि आपको और ज्यादा डिटेल में ये चीजें समझ में आए। आज मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीबीएक्स सिस्टम। इसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम आता है इसी के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी बेस। आईपी बेस जो है इसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, क्योंकि अब इस आईपी पीबीएक्स सिस्टम के अंदर हमारे पास जितना भी हमारा कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उसी के थ्रू ही वॉइस को ट्रेवल करवाया जाता है। इसमें भी आपके पास में एक पीबीएक्स सिस्टम होता है, पीबीएक्स सिस्टम से केबल्स निकलती हैं वापस आपके जो एक गेटवे बन जाता है, इसका गेटवे होता है, गेटवे से जो है आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके साथ में इसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। अब उस इंटीग्रेट करने के बाद में जितना भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क है वहां तक जो है पूरा का पूरा आपका वॉइस ट्रैवल आपके लोकल एरिया नेटवर्क में होती है, जिसके लिए आपको इस पूरे वॉइस सिस्टम को एक अलग से वीलैन देना पड़ता है, कॉन्फिगर करना पड़ता है। इसके बाद जहां पर भी आपको एक्सटेंशंस लेनी है
वहां पर जो है आप इसके अंदर गेटवे लगाएंगे, आपका जो नेटवर्क है उसमें से केबल लेंगे, गेटवे में कनेक्ट करेंगे, गेटवे से फिर वापस आप एनालॉग, डिजिटल या आईपी जो भी आपकी फैसिलिटीज हैं आप वहां पर उसको कनेक्ट कर देंगे। एक इसमें और टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस हो गई है, जिसमें आप पीबीएक्स सिस्टम जो है कार्ड बेस नहीं लेते हैं, अब ये पूरा प्योर आईपी बेस पे चला गया, बिकॉज यहां पर आप कोई पीबीएक्स सिस्टम कार्ड बेस ना लगाकर आप लगाते हैं यहां पर एक सर्वर, सर्वर के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर बेसिस पे सारी चीजें इंप्लीमेंटेड है पीबीएक्स सिस्टम की, वो लिनक्स बेस पे पूरा इंप्लीमेंटेशन किया गया है उसका, ये प्योर आईपी बेस पे काम करता है और यहां से सीधा आपका नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है और फाइनली सेम वे आपका लोकल एरिया नेटवर्क से जाकर जहां जहां पर भी आपको एक्सटेंशन चाहिए हैं वहां पर आप अपने स्विच जो लगे हैं स्विच से केबल लेते हैं, गेटवे में कनेक्ट करते हैं और गेटवे से कनेक्ट करने के बाद फाइनली आप जो है आपके जितने भी फोन्स हैं चाहे वो एनालॉग हैं चाहे आईपी हैं चाहे फिर आपके डिजिटल हैं, जैसा आपको कनेक्टिविटी करनी है वैसे आप इसमें कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है हम तीन तरीकों से इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, एक प्योर एनालॉग, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग प्लस डिजिटल जो कि कार्ड बेस पे है, एक और सिस्टम ये आपका जहां पे एक अलग से पूरी केबलिंग करनी पड़ती है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हम जहां पर वॉइस को अपने लोकल एरिया नेटवर्क से ट्रेवल करवाते हैं वहां पे कार्ड सिस्टम के साथ में, ईपीवैक्स सिस्टम आपका कार्ड सिस्टम के साथ में होता है, यहां पर हम गेटवेज का इस्तेमाल करते हैं सो दैट की आईपी टू एनालॉग और एनालॉग टू आईपी में कन्वर्जन जो है वो हम कर सके। फिर एक प्योर आईपी बेस का सॉल्यूशन आ गया जहां पर आपको सर्वर पूरा सेट करना है और सर्वर के थ्रू ही डायरेक्ट आपके नेटवर्क से जाकर पूरा कम्युनिकेशन जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया है, अब इस पे जो है हम पूरा और ज्यादा डिटेल में कभी टाइम मिल गया बीच में सैटरडे या संडे को तो डेफिनेटली इसके ऊपर पूरा डिटेल में हम चीजों को समझेंगे, ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरह से ये पूरी कनेक्टिविटी होती है, किस तरह से आपको पूरा नेटवर्क जो है मैनेज करना होता है इस चीज के लिए, वो सारी चीजें हम आने वाले लाइव सेशंस के अंदर कवर अप करेंगे। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और अगर आपको कुछ बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी ताकि ये आप समझ सके कि अब आप लोगों को सिर्फ नेटवर्किंग ही नहीं उसके साथ साथ में ये सारे सिस्टम्स को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फिर मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।